कहने की बात आती है, तो इफ वी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस, अ लॉट ऑफ काइंडनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ, कि छोटी छोटी बातें होती है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं पूरा दिन वो पकड़ के बैठी हूँ कि इन्होंने मुझे ये कह दिया, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव केमिकल्स इन योर माइंड विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर माइंड. अगर आप उसी बात को उसी टाइम पे फॉरगिव कर दे या लेट गो कर दे तो वो बहुत अच्छा बिहेवियरल चेंज हो सकता है. Everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about anxiety. Anxiety एक ऐसी problem है जो किसी को भी हो सकती है. और बच्चों से लेकर बड़े तक ये सोचते रहते हैं कि वो anxious हो रहे हैं चीजों को लेकर और उन्हें anxiety हो रही है, वो परेशान है. लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो सच में anxiety है? And to solve all these queries, we have Dr. Varsha with us. Hello, ma'am. How are you? I'm good. Thank you. मैम, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस टाइम पर सबको ही होती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट हमें पता कैसे लगेगा कि हाँ ये सच में एंजाइटी है और मुझे इस चीज से एंशियस होती हूँ? राइट, जैसे विदुषी आपने खुद नहीं कहा कि एंजाइटी हर एक चीज में हमें आजकल हो सकती है, तो एंजाइटी इज वेरी कॉमन. एंड आई वुडंट से कि हर एक एंजाइटी एक डिसऑर्डर होता है या एक प्रॉब्लम होता है. Anxiety can be normal, anxiety can be beneficial also. तो I'll try to explain you how when anxiety can be a disorder या वो कब problem बन सकती है. Anxiety जैसे कि हम लोग हर रोज देखते हैं, we have very stressful life these days. तो anxiety हर रोज हमें रोज की जिंदगी में भी हो सकती है. या there are specific problems की भाई financial problem है किसी को, health problems है किसी के घर में, ऐसी problems की वजह से भी anxiety हो सकती है. अब एंजाइटी हम लोग तब बोलते हैं जब हमें कुछ बॉडीली सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं, जैसे कि किसी किसी की हार्ट रेट तेज हो जाना या सांस फूल जाना या अचानक से बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो जाना. ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं. बट अगर ये सिचुएशन के समय ही हो रहे हैं, सिचुएशन के साथ वो चले जाते हैं, तो यूजुअली हम इसको कहते हैं कि ये एंजाइटी थी और वो चली गई. अगर ये परसिस्टेंटली रहती है, अगर सिचुएशन खत्म हो गई, जैसे फाइनेंशियल किसी की प्रॉब्लम थी खत्म हो गई पर फिर भी उनको एंजाइटी सिचुएशंस के बाद भी ये रह रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है और ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है. ओके, एंड मैम जो ये एंजाइटी होती है इसका कुछ मेन कारण होता है, लाइक जैसा आपने बताया कि स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस है या फिर कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, बट क्या कोई बॉडी में भी कोई चेंज होता है जब हमें एंजाइटी होती है? बिल्कुल, इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं एंजाइटी के, जैसे कि जेनेटिक कॉज हो सकता है, जैसे कि कुछ केमिकल चेंजेस अपने दिमाग में हो रहे हैं उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है. अब जेनेटिकली अगर प्रेडिस्पोज्ड है कि किसी के घर में पहले से ही हेरिडिटरी एंजाइटी चली आ रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा है जो कि अपने माता पिता को देख रहा है कि वो बहुत एंशियस हो रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर वो एंशियस हो रहे हैं, तो दे आर मोर प्रोन कि उनमें भी एंजाइटी आ सकती है. अब बाकी चीज़ें हैं कि केमिकल चेंजेस है, देर आर सर्टन केमिकल्स की सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएड्रेनालिन है, उनकी कम या ज़्यादा होने की वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स पॉपअप हो सकते हैं. या फिर किसी का साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रोन है वो लोग, कि साइकोलॉजिकली उनका जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस है कि हम लोग कितने स्ट्रेंथ से कितना स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करते हैं, अगर किसी की रेजिलियंस कम है तो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत जल्दी हो सकता है. ओके, और जैसे किसी को भी एंजाइटी होती है तो वो इंसान बोले कि उसको एंजाइटी है, कुछ लोग होते हैं कि वो उनको पता ही नहीं होता है कि उनको एंजाइटी है, तो हमें कैसे पता लगेगा बीइंग अ सेकंड पर्सन कि सामने वाले को एंजाइटी है? तो कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है, या जैसे कि अब हम लोग एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई बिहेवियरल चेंजेस ज़रूर हमें समझ में आएंगे. उनके बॉडी लैंग्वेज में देर आर सर्टेन चेंजेस जो हमें समझ में आ सकते हैं. और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई आपका कलीग है वो आकर के आपको बता रहे हैं कि आजकल मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे वरी करने लग गई हूँ,
या मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे तुरंत चिढ़ जाती हूँ, या मुझे बहुत छोटी बात को लेकर के, या किसी बॉस ने फॉर एग्जाम्पल कुछ कह दिया तो मेरा हार्ट बहुत तेज रेस करने लगता है, मुझे जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, मुझे लगता है कि मैं चोक कर जाऊंगी, या मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, मुझे अचानक से पसीना आ जाता है, या हमें ऐसी चीजें दिख रही वो सामने किसी भी इंसान में, या वो बहुत ज्यादा फिजट कर रहा है चेयर में बैठ के, जैसे कि हाथों को लेकर के या पैर को मूव करने की बहुत लोगों को आदत होती है. तो दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स कि हमें उससे पता चल सकता है कि इंसान को एंग्जाइटी हो रही है. एंड मैम, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हम देखते हैं कि हमारे सामने जो है कोई एंग्जाइटी हो रही है, तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? ओके, तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं कि सम ऑफ योर कलीग आज वो सुबह से काम कर रहे थे और अचानक से उनको एंग्जाइटी हो गई और शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अब मैं क्या कर सकती हूँ, एंड एज अ फ्रेंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं उस केस में उनकी हेल्प कैसे करूँ, राइट? तो इन दैट केस आई वुड से कि पहले तो उनको समझना चाहिए कि क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हुई. अगर वो उस मोमेंट पे नहीं समझ पा रहे हैं, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरवेलमिंगनेस होती है तो नहीं समझ पाते हम लोग कि किस वजह से ट्रिगर हुआ या क्या है. अगर नहीं समझ पा रहे उस सिचुएशन में, हमें नहीं पता पड़ रहा है क्या करना है, तो उस सिचुएशन से हम लोग कुछ समय के लिए डिटैच होकर, या उस सिचुएशन से हम लोग कुछ समय डिस्ट्रैक्ट होकर के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें, अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करें, जहां पर भी स्पेस सिक्योर लगता है वहां जाने की कोशिश करें. यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई टू टॉक टू समवन, जैसे कि वो आपसे बात करे या किसी और से बात करे. वो कंफर्ट होकर के उस सिचुएशन को हैंडल करना इस लेकिन कुछ ऐसा है कि जो ट्रिगर करता है एंग्जाइटी को? जी बिल्कुल, ट्रिगर पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग रेजिलियंस है, तो हर इंडिविजुअल में ट्रिगर पॉइंट्स अलग हो सकते हैं. किसी किसी को छोटी सी बात भी ट्रिगर कर सकती है और छोटी सी बात से उनको एंग्जाइटी बिल्डअप हो सकती है. किसी लोगों को मतलब बहुत टाइम के स्ट्रेस के बाद, जैसे कि वो हर रोज स्ट्रेस को अंडरगो कर रहे हैं और बहुत टाइम के स्ट्रेस के बाद भी उनको एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है. तो ट्रिगर्स ये हो सकते हैं कि जैसे दे आर अंडरगोइंग स्ट्रेस, या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप तो वो उनके लिए ट्रिगर हो सकता है, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देमसेल्व्स तो उनके लिए ट्रिगर हो सकता है, या फिर जब ये नॉर्मल जिंदगी चल रही है स्ट्रेसफुल और उसमें कोई ऐसा स्ट्रेसर आया, जैसे कि उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या उनका कोई लव्ड वन उनसे अलग हो गया बाय डेथ और बाय सेपरेशन, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेसर्स. हम लोग कह सकते हैं कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, और अभी रिसेंटली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वो भी एंग्जाइटी के अंडर आ गया है. तो दीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. ओके, मैं चाहूंगी कि आप इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ओके, तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये होता है कि रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी है उसमें जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं डेली एक्टिविटीज, उसमें परसिस्टेंट वरीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चीजों को कर पाऊंगी कि नहीं, मैं ऑफिस जा पाऊंगी कि नहीं, या मैं बॉस को फेस कर पाऊंगी कि नहीं, या मैं अपना काम सही से कर पाऊंगी कि नहीं. दीज आर द वरीज डे टू डे एक्टिविटीज में उनको जो वरीज होते हैं, दैट वी वुड से इट इज जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इसमें फ्री फ्लोटिंग वरीज है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मुझे इस बारे में वरी हो गई या मैं इस बारे में सोच रही हूँ. नाउ कमिंग टू सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें यूजुअली इंडिविजुअल को ये लगेगा कि मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूँ, या मुझे सोसाइटी में लोग जज कर रहे हैं, या मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं,
दैट इज वाई दे विल अवॉइड दोज सिचुएशन. तो वो जाने को पसंद ही नहीं करेंगे. तो धीरे धीरे वो विड्रॉ होते जाएंगे, धीरे धीरे वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे. और जब भी वो जाने की कोशिश करेंगे तो उनको सारे एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो चाहे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो चाहे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो वो उनको रोक लेंगे. कमिंग टू फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें स्पेसिफिक फोबियाज होंगे कि जैसे हम लोगों ने कॉमनली सुना होगा कि इनको हाइट से डर लगता है, हाइट का फोबिया है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, स्पाइडर का फोबिया है. तो दीज आर स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर. या फिर किसी को फ्लाइट में जाने से डर लगता है तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे. द एंग्जाइटी सिम्टम्स रिमेन द सेम विद एवरी डिसऑर्डर. बाकी पैनिक डिसऑर्डर आजकल पैनिक अटैक इज समथिंग विच इज आई हैव सीन वेरी कॉमनली एसोसिएटेड. हर रोज आई गेट सो मेनी पेशेंट्स की आज पैनिक अटैक हो गया या मुझे कई दिनों से पैनिक अटैक हो रहा है. उसमें स्पेसिफिकली ये होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दे विल हैव एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव ट्रेमर्स हो सकते हैं, बहुत पाउंडिंग हार्ट बीट हो सकता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है. और उस सिचुएशन में उनको ये फीलिंग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम. तो ये लगता है कि अब बस, अब तो गया, सब खत्म, आई मे डाई एट दिस वेरी मोमेंट. तो दैट इज कॉल्ड एज पैनिक अटैक. एंड मैम, अगर पैनिक अटैक किसी को आता है तो अभी जैसे आपने सिम्टम्स बताए तो हमें पता तो लग सकता है कि इनको पैनिक अटैक आ रहा है. एंड अगर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो अगेन हम उनको पानी पिला सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उनको उस सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जहाँ पे वो सिक्योर फील करे, ऐसे सिचुएशन ले जाने की कोशिश कर सकते हैं. और उस टाइम पे उनको कंफर्ट कराने की कोशिश कर सकते हैं. अगर वो डीप ब्रीथ कर सकते हैं तो उनको डीप ब्रीथ का ऑप्शन दे सकते हैं. या जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर पे अगर किसी भी डॉक्टर की हेल्प अवेलेबल है तो हम लोग वो हेल्प अवेल कर सकते हैं. क्योंकि कई बार ये होता है कि पैनिक अटैक कैन सिम्यूलेट अ हार्ट अटैक ऑल्सो. तो वो सिमिलरिटीज हो सकती है. तो अब अगर यंग इंडिविजुअल है उनमें ट्रिगर जायज सी बात है कि सामने से दिख रहा है और पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे, अचानक से ये सिम्टम आने लगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि वो पैनिक अटैक है. बट सिंस वी हैव अंडरगॉन, अभी पैंडमिक होके चुका है, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर बॉडी दैट हैव हैपेंड, तो वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये साइकोलॉजिकल ही है. उस केस में आई विल से कि थोड़ी देर स्पेंड करने के बाद इट इज इफ द इमरजेंसी इज फेल्ट उनको पास वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर के जाए. जो भी नेसेसरी चीजें हैं फिर वो हेल्थ प्रोफेशनल्स उनको कंट्रोल करें. ओके, कि अगर पैनिक अटैक किसी को आ रहा है एंड वो अगर ज्यादा टाइम तक रहता है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं उनको काम करने की बट वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. That would be better. Either a physician or a mental health professional, दोनों में से कोई भी, that would be always better. And ma'am, मैं जानना चाहूँगी कि anxiety कैसे effect करती है हमारी mental health. So as I said कि anxiety बहुत बार common भी हो सकती है और वो normal भी हो सकती है. तो anxiety को हम लोग हमेशा ये नहीं कह सकते कि anxiety बुरी है. एंग्जाइटी, अब अगर एग्जाम्पल हम लोग स्टूडेंट नहीं लेते हैं तो एंग्जाइटी बहुत बार हमें प्रोपेल करती है, मोटिवेट करती है कि हम लोग जो रेस्टलेसनेस होता है जिसके वजह से कि हम लोग अपना जो डिजायर टारगेट है उसको रीच करें या जो अपनी मोटिवेशन है टुवर्ड्स दैट वो बढ़ा सकते हैं. बट अगर एंग्जाइटी ऑप्टिमम लेवल से ऊपर हो जाती है तो जायज सी बात है कि फिर परफॉर्मेंस पे नीचे आ जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना. तो वो हमें एड्रेस करने की जरूरत है. एंड मैम, एंजाइटी डिप्रेशन का कारण भी हो सकती है. अगर प्रोलॉन्ग समय के लिए कोई नॉर्मल एंजाइटी के थ्रू गुजर रहा है या उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है तो जायज सी बात है बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोग साइकोलॉजिकली हर एक सिचुएशन को कोप करने का ट्राई करते हैं, फाइट करने का ट्राई करते हैं. बट आफ्टर फाइटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि हम लोगों में वो क्षमता नहीं बचती है. फिर ओवरवेलमिंग स्पेल्स होने लगते हैं. फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कुछ सिचुएशंस को एंग्जाइटी में लोग अवॉइड करने लगते हैं तो अपने आप को वो विड्रॉ कर लेते हैं, सोशली भी अकेले रहना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें अकेले रहने की वजह से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उभर कर आना शुरू हो जाते हैं. तो धीरे धीरे करके
केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं माइंड में, देन दे कैन डेवलप डिप्रेशन ऑल्सो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंग्जाइटी के बाद डिप्रेशन सेट इन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंग्जाइटी के साथ साथ में डिप्रेसिव सिम्टम्स भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एंग्जाइटी के लिए, क्योंकि एंग्जाइटी एक ऐसा टर्म है कि अभी भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है एंग्जाइटी है, ओके पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मेडिटेशन कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट कुछ लोगों के लिए एंग्जाइटी रोज का हो गया है, लाइक वो डेली लाइफ में वो फेस करते हैं रोज, एंड उनको अभी भी यही लगता है कि ठीक है हो जाएगा, इट्स नॉर्मल। सो आई वॉन्ट टू नो कि ऐसे कौन से इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं कि अगर ज्यादा वो राइज हो रहा है तो हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, तो वो क्या ट्रीटमेंट हमें देंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं इसलिए कि हमें कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपने कहा कि हर रोज़ हम सुनते हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये एंग्जाइटी डेली रूटीन में परसिस्ट कर रही है, चाहे आप कोई अच्छा काम करो, चाहे आप कोई हैप्पी सिचुएशन फेस करो, तो भी आपको एंग्शियस फील हो रहा है, या फिर ये डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, या मैं अपना जो डेली रूटीन का काम है वो एफिशिएंटली कर नहीं पा रही हूँ, मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, मेरा एपेटाइट बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो रहा है, या मुझे बहुत अलग किस्म के थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या एक्सेसिव वरीज हो सकते हैं, या मैं बात-बात पे चिढ़ जाती हूँ, बात-बात पे लोगों से लड़ने लग जाती हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर वार्निंग साइंस जो कि हमें किसी की हेल्प लेने में हेल्प लेना ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। तो आई वुड से इन दैट केस अगर आपको ये परसिस्टेंटली वार्निंग साइंस समझ में आ रहे हैं तो टेकिंग हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल इज अटमोस्ट नेसेसरी। अब आते हैं ट्रीटमेंट के कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस या फिर इन द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। अब मेडिकेशंस के फॉर्म में कई बार 80% ऑफ द लोगों में फर्क आ जाता है, बट एज वी ऑल नो कि मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेडिसिन अच्छी नहीं होती है, एक बार लेते हैं तो जिंदगी भर चालू रखनी पड़ती है, बट दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिसिंस आर बेसिकली कि हम लोग जो सेरोटोनिन लेवल्स कम हुए हैं या जो भी मोनोअमीन्स अपने दिमाग में कम है उसको रिस्टोर करने के लिए देते हैं। अगर वो रिस्टोर हो जाते हैं तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, और लंबा ट्रीटमेंट ज़रूर चलता है, मतलब इट कैन बी 6 months, 1 year, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार स्टार्ट होती है तो लाइफ लॉन्ग हमें लेनी है। दूसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपने पास है कि साइकोथेरेपी, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में काउंसलिंग सेशंस या थेरेपी सेशंस कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वी कैन डील विद द फिजियोलॉजिकल थिंग, और विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी वी कैन डील विद द साइकोलॉजिकल थिंग, कि हम लोगों को जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो हम लोगों को रेजिलियंस चाहिए, जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना है, जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है, उसमें काउंसलिंग सेशंस बहुत है। And but can we beat anxiety permanently? या फिर ये वापस आता रहता है? जी, कोई भी mental health issue है उसको permanently treat करना या beat करना बहुत difficult हो सकता है। तो जैसे अपनी life बहुत uncertain होती है, कभी भी अपने life में stressors आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक episode को treat किया, कुछ time तक बहुत अच्छे से वो function कर सकते हैं, but it is not necessary कि वो वापस से नहीं आ सकता है। अगर वापस से आता भी है, रिकरेंस रिलैप्स होता भी है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर मोर बेटर एबल टू एड्रेस द इशू, क्योंकि हमें पहले पता है कि हम लोग इससे गुजर चुके हैं और हमारे पास इसके लिए एडिक्वेट मोडालिटीज है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आई वुड से कि वी नीड नॉट वरी अबाउट इट, कि अगर रिकरेंसेस है, रिलैप्सेस है, दैट कैन बी टेकन केयर। एंड मैम, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं कि हमें एंजाइटी से हम थोड़ा दूर ही रहे, ऐसे कौन से डे टू डे ऐसे हम टर्म्स यूज कर सकते हैं लाइफ? राइट, तो देर आर अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम लोग कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्क,
या बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन जो हम लोग अभी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सब पेशेंट्स कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करने को बोल रहे हो पर हमारे पास एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है. मोटिवेशन भी नहीं है. तो इन दैट केस आई वुड से कि आप प्रायोरिटाइज करना सीखो कि हेल्थ अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप सभी चीजों के लिए टाइम बना सकते हैं और सभी चीजों को आप कर सकते हैं. तो एज आई सेड कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेली आप 45 मिनट्स कोई भी टाइप की एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका मोटिवेशन इम्प्रूव हो सकता है, जिससे कि यू हैव अ रूटीन, है ना, कि डेली यू आर गेटिंग दैट गश ऑफ एंडोर्फिन्स कि आपको पूरे दिन तक वो बहुत अच्छा फील कराएगा. द सेकेंड थिंग इज यू कैन प्रैक्टिस सम मेडिटेशन एक्सरसाइजेज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज. अब डेली रूटीन में मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के 20-25 मिनट्स मेडिटेशन करूँ. तो ओवर देयर आई वुड से कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए. माइंडफुलनेस इज समथिंग दैट वी जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोमेंट कि आप इस मोमेंट पे हो. फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज टेल कि आप ब्रेकफास्ट अगर कर रहे हो तो आप प्लीज ब्रेकफास्ट क्या कर रहे हैं, वॉट इज द फूड दैट यू आर एंजॉइंग, आप उसके बारे में सोचिए. ये मत सोचिए कि मैं आज ऑफिस कैसे जाऊँगा, ट्रैफिक कितना होगा, मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा. तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज. अगर आप डेली रूटीन में आप अगर शावर ले रहे हैं तो सिर्फ ये सोचिए कि यू नो व्हाट इज द अरोमा ऑफ द सोप. ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिस करोगे उससे भी काफी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं. अगेन स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी बात है. अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है दे कैन गो अहेड विद प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. Also staying away from certain foodstuffs and including certain foodstuffs in diet, जैसे कि caffeine ज़्यादा नहीं ले, alcohol से दूर रहे, substances like tobacco, cannabis, इन सब से दूर रहे, और fresh fruits को अपने diet में include कीजिए, fresh vegetables को अपने diet में include कीजिए, तो it can cause a lot of difference. बाकी otherwise अगर behaviorally कहने की बात आती है तो if we practice a lot of forgiveness, a lot of kindness, positive attitude और gratitude towards everything in our life. कि छोटी छोटी बातें होती है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं पूरा दिन वो पकड़ के बैठी हूँ कि इन्होंने मुझे ये कह दिया. तो that creates a lot of negative chemicals in your mind which can create a lot of negativity in your mind. अगर आप उसी बात को उसी time पे forgive कर दे या let go कर दे तो वो बहुत अच्छा behavioral change हो सकता है. So these are certain lifestyle changes and behavioral changes that if we follow, we can lead a normal and a healthy and mentally healthy life. Okay, तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि be grateful for each and everything and appreciate little things. Yes. इससे हमारा mind जो है वो positive approach रखेगा. बिल्कुल. Okay ma'am, and I think कि काफी ज्यादा awareness आई होगी हमारी audience को इस interview से. लेकिन मैं साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि being a doctor, आपने एंजाइटी के बहुत केसेस भी देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अभी हमारा जो यूथ है या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो कितना अवेयर है एंजाइटी या फिर मेंटल हेल्थ को लेकर? राइट, अभी मैं ये कहूँगी आफ्टर कोविड पैंडेमिक इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस आल्सो मैंने बहुत सारा अवेयरनेस देखा है और बहुत चेंज इन एटीट्यूड देखा है कि लोग अभी मेंटल हेल्थ को लेकर के थोड़े से सीरियस हुए हैं और छोटी छोटी मतलब जो उनको प्रॉब्लम्स आने लगती है जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इवन इन यंगस्टर्स. अगर उनको एकेडमिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है या वो हर दूसरे दिन अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं तो दे गेट अवेयर कि कोई ना कोई बिहेवियरल चेंज है हम में जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें हो रही है एंड दे आर कमिंग टू अस फॉर हेल्प विच इज़ अ गुड थिंग. और मैं ये चाहूँगी कि और अवेयरनेस बढ़े. अब मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयर हो गए हैं लोग बट स्टिल द स्टिग्मा इज नॉट येट टेकन केयर ऑफ क्योंकि बहुत सारे अडल्ट हमारे पास आते हैं यंगस्टर्स बेसिकली एंड दे कम एंड से कि हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट में क्योंकि वो नहीं समझ सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज को और हमारे मेंटल जो भी हम लोग अंडरगो कर रहे हैं जो फेस कर रहे हैं. तो ऐसे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका बच्चा आकर के आपको बोल रहा है कि ही और शी इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स या फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पाउस या
जो भी पार्टनर आपसे आकर के कह रहे हैं कि आई एम गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, तो इस स्टिग्मा को ब्रेक करके अगर हम ओपन माइंडेडनेस से उनको डॉक्टर के पास ले जाए और उनका इलाज कराए तो ज्यादा बेटर। वेरी नाइस मैम। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एंजाइटी किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कभी भी फील कर सकते हो अपने लाइफ टाइम में। सो टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू, मैं चाहूंगी कि आप कुछ एडवाइस या फिर कुछ सजेशन दें हमारी ऑडियंस को जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रही है, या फिर इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो क्या करें, कुछ ऐसे सजेशन। सो जो भी लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो आई वुड एडवाइज देम टू टॉक टू देयर लव्ड वंस, चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे उनके जो भी वेलविशर हो, या आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रीच करते हो, दे शुड टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, दे शुड टॉक अबाउट देयर डिफिकल्टीज दैट दे आर हैविंग, विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला मुझे जज कर लेगा या सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। एक बार बात करने में, एक बार उनको बताने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर उनको लगता है कि वो नहीं समझ पाएंगे तो दे कैन ऑलवेज गो टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स टू सीक हेल्प इंस्टेड ऑफ कमिंग और इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड लॉकिंग देमसेल्व्स इन वन रूम, बिकॉज इफ दे टेक हेल्प तो दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, दिस इज जस्ट अ फेज इन देयर लाइफ। अगर वो उसके लिए बहुत एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेते हैं तो दे कैन बी परफेक्टली एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एंड अल्टीमेटली मेंटल, नो हेल्थ इज विदाउट मेंटल हेल्थ, सो आई वुड से कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज लाइफ स्टाइल चेंज, whether it is fighting the stigma, whether it is getting up and going to a professional for help, हमें ये सारी चीजें जो भी obstacles आ रहे हैं उन obstacles को pass करके जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, एंड मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से काफी जो लोग होंगे जिनको एंजाइटी के बारे में नॉलेज नहीं भी होगी एंड उनको पता भी नहीं होगा कि उनको एंजाइटी है, उनको काफी नॉलेज मिली होगी। एंड इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।